बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी सर्दी जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, सर्दी जो है वह नहीं जा रही। तो जब तक सर्दी है धूप नहीं निकलती है तब तक जो वीडियो है ना वो बस ऐसे ऊपर नीचे खट्टी मीठी सी वीडियो जो है ना वो आती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा जो सर्दी होती है तो उसमें ब्लॉग बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बस यही खाना पीना जो है वो चलता रहता है। तो चलें जी, आज हम बनाएंगे अपने जो है नए तवे पे कोई नई सी और अच्छी सी डिश। अभी हम लोग चलते हैं और जाके बनाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आप सबके साथ एक प्यारा सा व्यू शेयर किया जाए। कवे उस साइड पे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो असल में उन्होंने मेरी जो है ना बात सुन ली है कि आज हम बनाने वाले हैं तवा कलेजी, तो इसलिए वो बोल रहे हैं भाई हम भी मेहमान हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप सबको भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं और जाके अपनी हरा हरा सब्ज़ी जो हरी हरी है ना वो तोड़ लेते हैं और फिर जाके हम अपनी खाने की तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम लोग अपनी सब्ज़ी में आ चुके हैं और यहाँ से हम अपने प्यारे प्यारे से जो धनिया है ना वो काट लेते हैं, क्योंकि कुछ सब्ज़ी हमें इस वाले खेत से मिलेगी और कुछ हमें दूसरे खेत से मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, यहाँ पे जो है ऊपर शबनम खड़ी है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे जो है प्यारी प्यारी सी धनिया जो है वो हमने तोड़ ली हैं और अभी उस साइड पे चल के जो है सबज जो लहसुन है ना वो भी तोड़ लेते हैं। मुझसे पहले मुर्गियाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। असल में मैं भाग के जल्दी से आ रही थी तो उन्हें था कि शायद जो है ना हमारे लिए कुछ लेने जा रही हैं। बिस्मिल्लाह। बस जी तोड़ लिया हमने लहसुन और साथ में धनिया। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं, जिसमें प्याज़ है, साथ में हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और साथ में हमारे पास है जी कलेजी 2 किलो, जिसको मैंने अच्छे से धो के काट के रख लिया, क्योंकि तारिक साहब को मैंने बोला था कि आप पूरा जो ऐसे पीस होता है ना कलेजी का वो आप पूरा लेकर आइएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग कसाई से जब उसकी कटाई करवाते हैं तो वहाँ ऊपर एक बारीक सा छिलका होता है ना वो उतारते नहीं है, जिसकी वजह से कलेजी अक्सर सख्त बनती है। तो आज फिर मैंने वो छिलका ऊपर से उतार के और कलेजी को पीस जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए, बड़े बड़े किए, तो इसको काट के हमने धो के अच्छे से रख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास है जी प्याज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका मसाला मैं तैयार करती हूँ जब तक कि तारिक साहब जो है ना वो आग जलाते हैं। तो ये हमारे पास हैं 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज, क्योंकि तारिक साहब ने बोला कि ग्रेवी जो है ना वो आपने अच्छी बनानी। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आग हमारी जो है वो जल चुकी है, और आजकल सर्दी के मौसम में आग जलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लकड़ियाँ जो है वो गीली हैं, ज़ाहिर बात है खुश्क लकड़ी का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पे हमारा जो तवा है ना उसको भी मैंने तैयार कर दिया, इसको अच्छे से धो के फिर मैंने इसके ऊपर लगाया है जी सरसों का तेल दोनों साइडों पर। अभी तारिक साहब बोल रहे हैं कि आपने नहीं लगाना था, दूसरा तेल लगाना था, लेकिन मैंने अब इस पर लगा दिया। तो आग हमारी जो है वो जैसे जलती है और हम इसको रखते हैं चूल्हे पे, तो आज इस तवे पे हमारी जो है पहली कुकिंग होगी इंशाल्लाह। देखते हैं कामयाब होते हैं कि ना कामयाब। इंशाल्लाह कामयाब होंगे, अल्लाह पाक कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरे ख्याल में ये वाला जो है ना चूल्हा इस तवे के लिए बेस्ट नहीं है, है ना? देख लो। आग तो जल जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तवे को ना एक दफ़ा मैंने ऊपर रखा है, फिर उतार लिया, अभी अच्छे से आग जलाई और उसके बाद फिर से हमने तवा जो है वो रख दिया चूल्हे पे, और अब हम इस पे डालते हैं जी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे पे जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमने डाल दिया, अब हम इस पे डाल देंगे ये लहसुन। और साथ में ही हम इस पे डालेंगे जी कलेजी, और कलेजी को करेंगे फ्राई, और कलेजी हमारी जो है वो है जी तकरीबन तकरीबन 2 किलो। बिस्मिल्लाह। आज मेरा पहला दिन है तवे के ऊपर कुकिंग करने का, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है ना मुझे आदत हो जाएगी। अभी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गिर रहा है कोई चीज़ ना ऊपर से। तो अब हम इसको ना अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारी जो कलेजी है ना वो फ्राई हो रही है। अभी इसने ना थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, जैसे ही ये पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो अभी बस जी जब तक सर्दियाँ हैं तो आप सब जो है ना हमें रेसिपी बताते जाएं और हम लोग बनाते जाएंगे, खाएंगे हम, आप फिर देखते रहें। देखता नहीं ना साथ साथ में ना खाना भी सही, क्योंकि जब बंदा देख रहा होता है ना तो ऐसे लगता है कि बंदा उस फैमिली के साथ बैठा है। तो वैसे भी माशाल्लाह अभी हमारी फैमिली जो है वो इस तरह हो चुकी है कि अभी लगता है कि बंदा साथ ही बैठा है खा रहा है। अभी जैसे हमने गुड़ वाले चावल बनाए, इस हमने बहुत ज़्यादा पसंद किए, इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग जो है रेसिपी जो है बनाते रहेंगे और मिलजुल कर खाते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारी जो कलेजी है ना वो फ्राई हो चुकी है, और अभी इसने देखिए घी छोड़ दिया, पहले ये पानी छोड़ चुकी थी, तो यहाँ पे अब हम इसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। कनाली में ना बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से जी अभी से जो है ना इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अभी अगर थोड़ी ठंडी हो तो फिर हम चाहें तो इसके बोटियां जो हैं वो छोटी कर सकते हैं। यहाँ पे जी अभी हम फिर से डालेंगे तवे पे ऑयल। तो अब हम इसके लिए ना तैयार करते हैं ग्रेवी वाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला। ऑयल जो है वो हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज जो मैंने 3 लिए थे। तो ये हमारी पहली कुकिंग है, तो आप सब ने जो है ना हमें वो करना है, क्या करना है बोलते हैं, हमारी हौसला अफजाई करनी। मुझे बात करनी नहीं आ रही। तो इस तवे के लिए हम लोग जो है ना स्पेशली एक चूल्हा बनाएंगे, क्योंकि ये चूल्हा इसके लिए ठीक नहीं है, आग चारों साइडों से ठीक से नहीं लग रही। तो प्याज़ों को यहाँ पे हम फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे।
तो अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्याज हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और अभी हम इसमें डाल देंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो अभी जी इसमें जाएंगे ये टमाटर और साथ में सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाह। अभी जो टमाटर है ना इनको हम अच्छे से पका लेते हैं ताकि ये जो है ना टमाटर गल जाए। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो है तंदूरी भी साथ में जल चुकी है। हमने कहा क्यों ना आज तवा कलेजी के साथ तंदूरी रोटी हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी सुबह नज़र नहीं आ रहा, वो साथ वालों के घर आ रहे अभी वो उनके घर गया है तो मैं खुद उसको वो थोड़ी देर ना हो तो काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ। फजर को भी करती हूँ, फजर आज इसका हमने ट्यूशन नहीं पढ़ाया, भाई सर्दी थी इसलिए लेकर आ गए। और यहाँ पर हमारा मिसाला जो है वो हो चुका है माशाल्लाह से तैयार। अभी जी हम इसमें डाल देंगे बाकी के खुश्क मसाले जिसमें हैं जी ये सुरख मिर्च। आ गए हो? इसमें जी सुरख मिर्च, साथ में नमक है, हल्दी है, खुश्क धनिया है और ज़ीरा है पिसा हुआ। बिस्मिल्लाह सीधे हाथ से डाल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो लगे नहीं। अब हम ना इनको अच्छे से जो है मिसाले को भून लेते हैं ताकि इनमें जो कच्चा पान होता है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छा से हमारी जो एक ग्रेवी टाइप है ना वो तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिसाला जो है वो तैयार हो चुका है और इसकी अच्छे से बुनाई होगी। और अभी हम इसमें डाल देंगे ये हमारी फ्राई की हुई कलेजी जिसकी हमने फिर से छोटे छोटे पीस कर लिए ना इस तरह करके। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे जो है ना इसको ऐसे अभी इसको ना अच्छे से मिसाले के साथ पका लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे तंदूर हमारा जो है वो अच्छे से जल चुके हैं और इधर हमारी जो ज़बरदस्त किस्म की तवा फ्राई है ना वो आस्ता आस्ता बढ़ती बढ़ती अभी पूरे तवे पे फैल चुकी है। तो हमने इसमें ना थोड़ा सा दही जो है वो शामिल किया है क्योंकि वो उससे ना थोड़ा जायका और अच्छा आएगा, टेस्टी आएगा। तो माशाल्लाह से आज हमारी पूरी फैमिली के लिए यानी कि उधर वाली फैमिली और इधर वाली सारी फैमिली के लिए हमने ये ढेर सारी बनाई है तवा कलेजी और साथ में हमारी तंदूरी रोटी चलेगी आज। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी ये तवा कलेजी जो है वो तैयार हो रही है। तो बस अब जैसे ही इसकी जो है ना पानी खुश्क होगा ना तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तंदूरी हमारी जल चुकी है तो ये तंदूरी पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है इसलिए मैं अभी तंदूरी संभालती हूँ। तो तारिक साहब ने दोनों दोनों जगह पर जो है ना आग जलाई है तो मैं तंदूरी संभालती हूँ और वो जो है यहाँ पर कलेजी संभालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी जो कलेजी है वो तैयार हो चुकी है और इसकी ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन चुकी है। और एंड में हम इसमें डालेंगे ये हरा लहसुन, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है और साथ में हरा धनिया और साथ में मैंने ये ना एक दो सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो काट के ऊपर डाल दी। अब मैं और तारिक साहब जो है ना इसको उतार लेते हैं और फिर मैं रोटियां लगा लूँगी। फिलहाल हम सारी रोटियां लगा रहे हैं, मैंने कहा आप लगा लें, मैं तब तक कलेजी को देख लेती हूँ उतारे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ से अभी हम उतार के इसको रख देते हैं जी इस स्टैंड पे।
तारिक साहब, वैसे इसका एक ढक्कन हम बनवा लें ऊपर से ना, आज तो मैंने इसके लिए ये वाला ढक्कन इस्तेमाल किया है। ये देखें, सर्दी के मौसम में ऐसी चीज़ें बंदा खाए तो फिर सर्दी नहीं लगती। यहाँ पे तो अभी मैंने इसको कर दिया है कवर, और मैं अब जल्दी से बनाती हूँ रोटियाँ। बाकी मेरे सारी चीज़ें समेटने वाली हैं, लेकिन पहले रोटियाँ जो है वो लगा लेते हैं और बाद में इनको समेटेंगे, क्योंकि ताज जो है ना हमारा सेका वो कम ना हो जाए। तो सर्दी में जी हम लोग पहली दफ़ा आज लगा रहे हैं तंदूर पे रोटियां। वैसे हमने तंदूर छोड़ा ही नहीं था, थोड़े दिन पहले, 1 माह हो गया तकरीबन छोड़ा है, और अब फिर से जो है हम ना शुरू हो चुके हैं। माशाल्लाह से एक रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसी तरह हम बाकी की रोटियां भी तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह जी, जबरदस्त रोटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं, और फजर को तारिक साहब ने ना डाल के दिए कलेजी की, वो हमसायों को दे के आए, क्योंकि उन्होंने रोटियाँ जो है वो पहले बना ली थी, इसलिए जल्दी नीचे आराम से जाओ, सीधी कार के लेकर जाओ, साइड ऐसे की हुई है, क्योंकि उनकी रोटियां जो वो पहले बन गई थी, इसलिए मैंने कहा उनको आप दे दें। हमारा तो फिर वीडियो का सिस्टम होता है ना, वो तो चलता रहेगा और फिर हम खाएंगे ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी रोटियां जो है ना वो हो चुकी हैं तैयार, और यहाँ पे आग जो है ना वो भी गर्मा गर्म जल रही है। खाना आ गया, आप पाँव पीछे करो, जराबे देखो कि ये खराब कर दिए। आप ही बोला करो, आप ही फजर। यहाँ पे जी हमारी आ गई हैं ये गर्मा गर्म रोटियाँ। हाँ जी, बड़ी वाली। तो अभी बच्चों को डाल के देते हैं सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखते हैं बच्चों को ये अच्छी भी लगती है, ये नहीं, बाज़ दफ़ा होते हैं ना बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त होती है, अच्छी ज़रूर लगी। खाएं भाई, अभी मैं आपको खिलाती हूँ। आ जाओ भाई इधर बैठिए, ऐसे ही दो रोटी हैं, ऐसे करके बैठते हैं ढाके, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ लो। मोहम्मद जुबान कह रहा है कि जल्दी जल्दी भीड़ हो जी, यानी कि जल्दी जल्दी रोटी खाओ। बस दफा ये ऐसी बात कर देते हैं ना कि हंसी नहीं रुकती। चल चल भीड़ दूं मैं। बताओ कैसी बनी है, अच्छी है? नहीं अच्छी, मर्चा भाई मुंह पे बात करता है। मिर्चें ये आपके बाबा ने डलवाई, मैंने नहीं डाली। अरे अच्छी नहीं है, मिर्चें हैं ज्यादा, सच्ची बात है उसकी मिर्चें हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना जो है वो खा लिया है, और अब मैं धोऊंगी बर्तन। बर्तन जो है ना धो के सोऊंगी, क्योंकि सुबह फिर जो है ना सारा इस पे घी वगैरह जमा हुआ है, तो धोना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो हमारा व्लॉग है ना, उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जो वीडियो वो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।